हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो. दिस इज सोनिया एंड यू आर वॉचिंग सोविक्स व्लॉग. सो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जो एक रिपोर्ट आई थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी. और उस रिपोर्ट में ये था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर कैपिंग लगाने वाली है और उसका जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 40%. नाउ गाइस, ऑस्ट्रेलियन लेबर गवर्नमेंट ने उस मीडिया रिपोर्ट के अगेंस्ट में दिया है क्लेरिफिकेशन. तो वही क्लेरिफिकेशन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड गाइज, वो जो फर्दर क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है एक्चुअली वो है एक गुड न्यूज. सो गाइज, एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर कंसर्न रेस्ड अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द रिस्ट्रिक्टिव कैप. इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का मानना है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका ना आना जो है वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है. इसका मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम इन ऑस्ट्रेलिया. जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट इंटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं फॉर देयर फर्दर स्टडीज, उन्हें मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगी. इफ यू वॉन्ट टू बुक योर अकोमोडेशन, आई विल हाईली सजेस्ट यू द अंबर स्टूडेंट. अंबर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है नियर देयर यूनिवर्सिटीज. यू कैन बुक योर अकोमोडेशन विद अंबर स्टूडेंट इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स. So the step one is click on the link below in my description box. So guys, once you finish step one, आपके पास आते हैं दो ऑप्शन. तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी प्रिफर्ड सिटी या जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सारे अकोमोडेशंस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे. एंड आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा अकोमोडेशन चाहिए. अंबर स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ 100% वेरीफाइड हैं. इसका मतलब जो आपको पिक्स दिख रही हैं बिल्कुल एक्चुअल में आपको प्रॉपर्टी जो है वैसी ही मिलेगी. Once you choose your property, आपको क्लिक करना है इंक्वायरी नाउ पे और फिर आपको एंटर करनी है अपनी पर्सनल डिटेल, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी. अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देनी है इंक्वायरी एंड देन यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड द टीम मेंबर ऑफ अंबर विल कॉन्टेक्ट यू एंड डू ऑल द पेपर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू. और इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन चूज ऑप्शन 2 विच इज़ वेरी क्विक एंड ईजी, गेट पर्सनलाइज असिस्टेंस. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें भी आपकी बेसिक डिटेल होगी, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आप किस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और आपका क्या इनटेक है. और बस ये फॉर्म आपको कर देना है सबमिट. वंस यू सबमिट योर ऑल द डिटेल्स, टीम मेंबर फ्रॉम एम्बर विल कॉन्टेक्ट यू एंड डू ऑल द पेपर वर्क एंड ऑल योर सर्चेज ऑन बिहाफ ऑफ यू. स्टेप 3 इज सिट बैक एंड रिलैक्स एंड द एम्बर विल कॉन्टेक्ट यू. ऑस्ट्रेलिया में रेंटल क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं और अकोमोडेशन बुक करना एक बहुत बड़ा हैसल है. सो इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, देन डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. जस्ट क्लिक ऑन द बिलो लिंक एंड बुक योर अकोमोडेशन विद अंबर स्टूडेंट. ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने फर्दर कहा है कि लेबर वॉज नॉट इंटेंडिंग अ कैप ऑफ दैट साइज एंड विल हेल्प प्रोटेक्ट द सोशल लाइसेंस ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर एंड नॉट हार्म एन इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट नेशनल एसेट. यानी कि ये कि वो जो 40% का फिगर सामने आया था कि 40% की कैप लगने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी फिगर जो है वो डिसाइड नहीं किया है. सो गाइज, न्यूज की हेडलाइन यही है कि लेबर रिजेक्ट रिपोर्ट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी कैप्ड एट 40% ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट. गाइज, जो ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर उनमें देखेंगे तो उनमें मोस्टली जो है 70-80% या कई बार उससे ज्यादा जो है वो फिगर होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का और रेस्ट ऑफ दी होते हैं लोकल स्टूडेंट्स. तो अगर ऐसी कैप लग जाती है तो इस टाइप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है. में एल्बनीजी गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये कैप वाली बात की थी कि वो लोग कैप लगाने वाले हैं और कैप शायद इम्प्लीमेंट होने वाली है जनवरी 2025 से. लेकिन अभी जो क्लेरिफिकेशन दिया है जेसन क्लेयर ने उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने कोई भी फिगर जो है वो डिसाइड नहीं किया है. नेक्स्ट फ्यू वीक में गवर्नमेंट बताने वाली है कि वो क्या लेवल है जो कि सेट करने वाली है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने फर्दर कहा कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है. इंटरनेशनल एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया को काफी मनी देता है. एक्चुअली जब से मई में ये न्यूज आई थी कि कैपिंग लगने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, तभी से काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो ग्रुप 8 के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो अलार्म रेज कर रहे हैं कि भाई कैपिंग जो है वो नहीं लगनी चाहिए. यूनिवर्सिटीज के एग्जीक्यूटिव जो है उनका मानना ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑस्ट्रेलियाज जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर एंड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली सेविंग द कंट्री फ्रॉम रिसेशन. तो यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में, ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ में, उसकी इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है
और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में तो यहाँ तक रिपोर्ट आई है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 2019 के नंबर को मैच करने वाला नंबर अगर हो जाता है तो उस केस में टिल 2025 तक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को 11.6 बिलियन तक का जो है ना वो लॉस हो सकता है। तो बेसिकली गाइस ये जो सारी न्यूज़ अभी सामने आई है, अब ये तो पता नहीं है, देखिए गवर्नमेंट ने खुद ही मई में बताया था कि हाँ वो कैपिंग लाने वाली है और वो कैपिंग जो है वो इम्प्लीमेंट भी करने वाली, क्योंकि उसे जो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं उन्हें भी कम करना है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल स्टूडेंट्स भी कम करने हैं और इसी के प्रोसेस में देखिए गवर्नमेंट ने रातों रात जो फीस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी। बट अभी वापस से गवर्नमेंट ने क्लियरली अभी कह दिया है कि हाँ भाई 40% का फिगर वो लोग अभी नहीं ला रहे हैं, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किस लेवल तक जो है कैप को है वो डिसाइड करेंगे। तो गाइज फिलहाल के लिए तो गुड न्यूज यही है कि भाई हाँ वो जो कैपिंग फिगर था वो नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। अपकमिंग कुछ वीक्स में गवर्नमेंट इसी मैटर पर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने वाली है, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।